टैक्सी एए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में यूपी में पहली सजा। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले 86 उपद्रवी दोषी। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 20-21 दिसंबर 2019 को प्रदर्शन कर सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले 86 उपद्रवियों को दोषी करार दिया गया है। डीएमएनसी भू राजस्व के बकाए की तरह 4,27,439 रुपए की वसूली करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ संभाग ने यह आदेश दिया है। सीएए विरोधी प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश में यह पहली सजा है। फैसले के खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह HDS और प्रवीणा अग्रवाल उपर आयुक्त मेरठ मंडल सदस्य ने गुरुवार को अमरोहा मामले में आदेश जारी किया है। पुलिस कर्मियों से झड़प के दौरान 4,27,439 रुपए की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी। 86 लोगों को आरोपित बनाया गया था। अब हर व्यक्ति पर समान रूप से 4,971 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायाधिकरण ने डीएम अमरोहा को आदेश दिया है कि वह उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 की धारा 23 के अनुपालन में अर्थदंड वसूल कर राजकोष में जमा कराए। राशि जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिन के बाद 6% ब्याज व वसूली का खर्चा भी वसूला जाएगा। 3 आरोपित ऐसे हैं जिनका पता मालूम नहीं है। ऐसे में आरोपितों के पोस्टर छपवा कर उनकी जानकारी जुटाने एवं खर्च हुई धनराशि वसूलने के लिए कहा गया है।